हेलो दोस्तों, आप सबके बीच फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक पेंशनधारी हैं और आपका पेमेंट कुछ दिनों से रुका हुआ है, पेमेंट की स्टेटस में आपका रिजेक्टेड शो हो रही है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं अब तक पहुंचती रहे। सबसे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको आ जाना है किसी भी क्रोम ब्राउजर में, ई लाभार्थी इस साइट पे आपको आ जानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको आ जाना है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको हम एक पेमेंट की स्टेटस चेक करके दिखाते हैं, रिजेक्टेड कब शो हो रही है, क्या दिक्कत होती है, रिजेक्टेड शो होने के बाद आपको क्या करनी है। और यहां से आपको आ जाना है पेमेंट रिपोर्ट, यहां से हम एक स्टेटस को चेक करेंगे। और यहां से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहां पे करंट की स्थिति हमें चेक करनी है, तो यहां से हम 22-23 सेलेक्ट कर लेंगे। और यहां से हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर और आधार नंबर। यहाँ से आप अपने हिसाब से किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने आधार नंबर डाल के, यहाँ से आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे, बेनिफिशियरी की सारी डिटेल यहां से खुल के आ जाएगी, जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाती है भुगतान की स्थिति। भुगतान की स्थिति में यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे इनकी जो है रिजेक्टेड शो हो रही है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट की जो स्टेटस है रिजेक्टेड है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो इस स्थिति में आप क्या करनी है आपको। दोस्तों, इस स्थिति में आपको अपना अकाउंट नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो बैंक इसमें ऐड है, उस बैंक में कोई ना कोई दिक्कत होगी, बैंक या बंद हो चुकी होगी, इस कारण से ये पेमेंट रिजेक्ट हो गया है। इसको आप सही कैसे करेंगे, आगे बढ़ने से पहले यहाँ से लाभार्थी संख्या जो है, बेनिफिशियरी आईडी को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसका आगे यूज़ करने वाली है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे इसे। और हमें आ जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ से अपडेट रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक करना है, क्योंकि इसमें नया अकाउंट हमें जोड़ने की ज़रूरत है। अपडेट रिपोर्ट में आना है और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाती है अपडेट अकाउंट ऑफ पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी पे, जस्ट आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ से सर्च बाई के लिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाती है, बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। जैसे कि हम यहाँ से बेनिफिशियरी आईडी को पेस्ट करेंगे इसमें और यहाँ से सर्च करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो चुकी है। ओल्ड वाली जो भी आपकी डिटेल रहेगी, जानकारी रहेगी, सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक से आ जाएगी। न्यू में यहाँ से आपको सिर्फ फिल करना है डेट ऑफ बर्थ और न्यू अकाउंट नंबर और यहाँ से न्यू आईएफएससी कोड, आपका जो भी बैंक का है वो बैंक की सारी डिटेल इसमें फिल करनी है, जैसे कि नया अकाउंट, आईएफएससी कोड डाल देनी है। और यहाँ से आप अपने आधार के अनुसार यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से पासबुक अपलोड करनी है आपको, एक जो भी बैंक का आप यहां से विवरण जो दे रहे हैं उसकी अपलोड करनी है। पासबुक को स्कैन कर लेनी है पीडीएफ में, जिसकी साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। और यहां से अपलोड करने के बाद लास्ट आपको यहां से सबमिट कर देना है, जैसे कि हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। और यहां से लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप जनरेट हो जाएगी ऊपर ही, आपको जैसे देखने को मिल रही है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल। आपने जो रिक्वेस्ट डाला है अपडेट अकाउंट करने के लिए, अकाउंट ऐड करने के लिए न्यू वाली, वो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं आप अकाउंट का रिक्वेस्ट जो डाले हैं उसे आप कैसे स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ से आपको अपडेट रिपोर्ट में आना है और यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू स्टेटस पेमेंट रिटर्न बेनिफिशियरी, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे आप। और यहाँ से आपको टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। यहाँ से जो भी आपके पास है उससे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी डाल के यहाँ से आपको सिंपली सर्च करना है। यहाँ से थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है आपने जो भी नया वाला अकाउंट डाले हैं, यहाँ से आपको नया वाला अकाउंट नीचे देखने को मिल रही है। यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर, यहाँ से सारी जानकारी मिला लेंगे। लास्ट में यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, यही आपका स्टेटस है। यहाँ पे अभी जो पेंडिंग शो हो रही है, आप 1 वीक 10 दिन के बाद यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से दोनों आपको सक्सेस दिखाई देगी। तो यहाँ से आपका रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगी। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।